अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं दी पाकिस्तानी डैमसेल। हैश टैग टीन डायरीज में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पर्सनल हाइजीन ऑफ टीन्स। तो वो तमाम टीन्स जो कि टीन एजर में कदम रख चुके हैं और वो मम्मीज जिनके टीन एजर बेटियाँ हैं, जल्दी जल्दी आ जाएं और जल्दी से फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले आ जाता है योर बेसिक हाइजीन और उसमें आ जाता है ब्रश करना, शावर लेना, आपके नेल्स वगैरह का कटे होना, साफ़ सुथरा होना, आपके दांतों का साफ़ सुथरा होना, हल्का फुल्का बॉडी स्प्रे या माइल्ड सा कोई कोई भी बॉडी मिस्ट लगा लेना। इसमें यह है कि बच्चे जब होते हैं तो उनको नहाने से जान जाती है, कोशिश होती है कि यार ना ही नहाना पड़े तो बेहतर है। लेकिन अब आप टीन में आ गए हैं, आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस हो रही हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो अब आप बड़े होने लगे हैं और अब आपको वो बचपना साइड पर करके अपनी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना है, बिकॉज अब आप एक मिच्योर लड़की की तरफ सफ़र करने लग गए हैं। तो वो जो बचपना था ना कि आज नहाने को दिल नहीं चाह रहा, नहीं आज ब्रश नहीं करना, उसके बगैर ही खाना खा लेती हूँ, स्मेल आ रही है, कोई बात नहीं, नेल बड़े हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गंदे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तो मिट्टी से खेल के आई हूँ, कुछ नहीं होता, बाद में साफ़ कर लूँगी, नो, अब आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और मम्मीज़ आपने भी इंश्योर करना है कि आपकी टीन डॉटर इन चीज़ों पर ध्यान दे और अगर किसी भी किस्म की वो लापरवाही बरत रही है तो आप उसे टाइम टू टाइम गाइड करती रहें प्यार से। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर अंडर गारमेंट्स। जैसे ही बच्ची टीनेजर में कदम रखती है उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, उसके सेकेंडरी बॉडी पार्ट्स ग्रो करने लगते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर अंडर गारमेंट्स उसकी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करवाएं। उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि आप अपनी बेटी को जो भी अंडर गारमेंट्स लेकर दें वो कॉटन के होने चाहिए ताकि हवा पास हो सके, किसी भी किस्म की ह्यूमिडिटी ना होने पाए जिससे बैक्टीरिया या यीस्ट इन्फेक्शन वगैरह जन्म लेता है। उसके अलावा बहुत फिटिंग वाले अंडर गारमेंट्स नहीं होने चाहिए और ब्रा के मामले में आपने ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर फिटिंग वाली हो, ना बहुत लूज़ हो ना बहुत टाइट हो। और उसके अलावा आप अपनी बेटी को स्ट्रैप्स एडजस्ट करना भी सिखाएं ताकि उसे पता चले कि अगर उसकी ब्रा अनफिट हो रही है तो किस तरह से वो स्ट्रैप की मदद से उसे सेट कर सकती है। एक और चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि अपनी बेटी को आप ये सिखाएं कि अंडर गारमेंट्स उसने हमेशा बाकी कपड़ों से अलग धोने हैं, क्योंकि अंडर गारमेंट्स का मटेरियल अलग होता है, सॉफ्ट होते हैं और जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए उनको बाकी कपड़ों की निस्बत अलग से धोना पड़ता है। और कोशिश ये होती है कि हाथ से धोया जाए और अगर हाथ से नहीं तो मशीन में उसे बहुत ही हल्के से धोना पड़ता है। पर्सनल हाइजीन में अगली चीज़ आ जाती है योर सेकेंडरी हेयर ग्रोथ। जैसे ही आप एडोलसेंस में कदम रखते हैं आपकी बॉडी पर हेयर वहाँ वहाँ आने लगते हैं जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं होता, जैसे कि अंडर में बिकिनी एरिया पर, आर्म्स पर, लेग्स पर, अपर लिप्स पर फेशियल हेयर आने लगते हैं। तो ऐसे में मम्मीज़ आपने भी और टीन्स अगर आप मेरी वीडियो देखें तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस जगह पर क्या यूज़ कर सकती हैं। जैसे अगर आपके अपर लिप्स हैं तो आप अपने अपर लिप्स के लिए कभी भी शेविंग मत करें, आप उसके लिए थ्रेडिंग कर सकती हैं, वैक्स यूज़ कर सकती हैं या एपिलेटर यूज़ करें। इसी तरह से फेशियल हेयर के लिए, फेशियल हेयर अक्सर यहाँ पर होते हैं जिसको पीच फस भी कहते हैं, तो उसके लिए आप थ्रेडिंग कर सकती हैं, वैक्स यूज़ कर सकती हैं, एपिलेटर यूज़ कर सकती हैं, और कुछ फीमेल्स जिनके बहुत हल्के हेयर होते हैं वो रेजर भी यूज़ करती हैं। उसके बाद अगर हम अंडर आर्म्स की बात करें तो अंडर आर्म्स के लिए भी आप या वैक्स करें बेस्ट है, क्योंकि वैक्स से आपके हेयर बहुत देर बाद ग्रो होते हैं। और उसके अलावा आप एपिलेटर यूज़ कर सकती हैं, और अगर अर्जेंसी है, जल्दी है कहीं जाने की, तो फिर आप फीमेल रेजर भी यूज़ कर सकती हैं। बिकिनी एरिया के लिए वैक्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत छोटी उम्र से ही अपनी बेटियों को आदत डालें कि वो बिकिनी एरिया के लिए वैक्स करें। बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं कि आप उन्हें कोई हाई फाई पार्लर में लेकर जाएं या उन्हें जो है एकदम से सारी वैक्स करें, उनको सिखाएं कि वो थोड़े थोड़े पैचेस में वैक्स कर सकती हैं। थोड़े थोड़े पैचेस से पेन भी कम होता है और वैक्स भी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आप किसी भी किस्म की शेविंग क्रीम अपने अंडर आर्म्स पर या बिकिनी एरिया पर यूज़ नहीं करें, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को बाद में डार्कनिंग का इशू, स्किन डार्कनिंग का इशू हो जाता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि हम शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं। और शेविंग क्रीम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डैमेज कर देते हैं। फिर आपकी आर्म्स और लेग्स आ जाती हैं। आर्म्स और लेग्स के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, आपका दिल चाहे आप उन्हें शेव कर लें, आपका दिल चाहे आप रेजर कर लें, ट्रिमर कर लें, वैक्स कर लें, कुछ भी आप यूज़ कर सकती हैं, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। पर्सनल हाइजीन में नेक्स्ट चीज़ है प्रॉपर पीरियड इन्फॉर्मेशन। उसमें यह है कि जैसे ही आपकी बेटी एडोलसेंस में कदम रखती है, ज़रूरी नहीं कि टीनेजर ही हो, क्योंकि आजकल
हम जो फूड खाते हैं उसमें इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिए होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, कि जब वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो आजकल देखा गया कि 8-9 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपनी बेटी को दें ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे, ना कि जैसे ही उसे पीरियड आए वो परेशान हो जाए या वो समझे कि मैं मरने वाली हो गई हूँ या मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई, मुझे कोई ट्यूमर तो नहीं है, मुझे खुदा ना खास्ता कोई कैंसर तो नहीं। इस तरह के ख्यालात उन बच्चियों के जहन में आते हैं जिनको पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आप उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, पूरा प्रोसेस समझाएं, पैड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दें कि कैसे लगाना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करने का पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बताएं। ये नहीं कि उतारते ही जहाँ दिल चाहा फेंक दिया, क्योंकि ये एक तो बहुत अनहाइजीनिक होता है, अच्छा भी नहीं लगता और जर्म्स फिर से फैलते हैं आसपास के एरिया में। तो इसलिए प्रॉपरली उसको रोल करके किसी भी शॉपर में डाल के फिर फेंका जाए ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। इसी तरह से ये भी आपका काम है कि आप बताएं कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। आप बता सकती हैं कि 3 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। लोग समझते हैं कि 7 दिन नॉर्मल है, 3 दिन अबनॉर्मल है, लेकिन 3 दिन बहुत नॉर्मल है। 3 दिन भी अगर किसी को पीरियड्स होते हैं तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। और लास्ट चीज़ जो आप बताएंगे वो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं हॉट वाटर बॉटल से, टर्मेरिक मिल्क से। हॉट वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उन फीमेल्स के लिए जिनको किसी भी किस्म का पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के दौरान। तो इसलिए हॉट वाटर बॉटल आप अपने घर में ज़रूर रखें, एक उसके लिए भी खरीद लें और उसके रूम में रख दें, और उसे बताएं कि जब भी आपको इस तरह से कोई पेन या क्रैम्स उठते हैं तो आप हॉट वाटर बॉटल अपने एरिया पर 10 से 15 मिनट रखें, रिलीफ मिलेगा। पर्सनल हाइजीन में नेक्स्ट चीज़ जो आपको ज़रूर अपनी बेटी से डिस्कस करनी चाहिए वो है वाइट डिस्चार्ज। जैसे ही एडोलसेंस में कदम रखते हैं, पीरियड्स वगैरह आने लगते हैं, सेकेंडरी हेयर ग्रोथ होती है, तो उसके बाद वाइट डिस्चार्ज बहुत सी बच्चियों को कॉमन हो जाता है। तो उसमें आपको बताना है अपनी बेटी को कि अगर वो टाइट कपड़े पहनती है या अपनी हाइजीन का, प्राइवेट एरिया की हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, क्लीनिंग के बाद उसे प्रॉपरली ड्राई नहीं करती, तो यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे फिर ये है कि स्मेल आएगी, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, इचिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी तरह से अगर कोई भी इशू नहीं है लेकिन स्टिल वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो आप उसे बताएं कि ये चीज़ लिकोरिया हो सकती है। और लिकोरिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप वो देख लें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी घर में ही इस चीज़ को ट्रीट करने का। और अगर उसको यीस्ट इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, तो आप डॉक्टर के पास उसको ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि बच्ची होती है उसको समझ नहीं होती, वो शर्माती है। तो ये आपकी ड्यूटी है मम्मी कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, और उसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ख़त्म आपने करना है, ट्रीट आपने करवाना है। लास्ट चीज़ है प्रॉपर गुसल का तरीका, ये मुस्लिम्स के लिए है। अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि भाई पीरियड्स के बाद नहाना, तो बच्चियाँ ये समझती हैं कि हमने नहा लिया और बस शावर ले लिया, बस ख़त्म, हम पाक हो गए। लेकिन इसका प्रॉपर तहारत का मेथड है, गुसल का मेथड है। तो मम्मीज़ ये आपका काम है कि आप उनको सिखाएं, और यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं, अगर आप खुद से नहीं सिखा पा रही तो आप उन वीडियोस को दिखाएं उन्हें, ताकि उनको पता चले कि पीरियड्स के बाद वो किस तरह से प्रॉपरली पाक होंगी। इसी तरह से अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो उसमें आपको गुसल लेने की ज़रूरत नहीं, आप जब भी नमाज़ पढ़ेंगी आप दोबारा से वजू करेंगी, और अगर आपके कपड़ों पर वाइट डिस्चार्ज लग गया है तो आप अपने कपड़े चेंज करेंगी, लेकिन गुसल की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने आसपास जो आपकी बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिनकी मम्मीज़ एजुकेटेड नहीं हैं या उनको इतना नहीं पता, तो आपका मम्मीज़ ये आपका और टीन फ्रेंड्स ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उन बच्चियों को भी गाइड करें, मेरी वीडियोज़ दिखाएं जो टीन्स के ऊपर मैं बना रही हूँ, ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।